once again welcome back to our channel Car Stylein. Hope you guys are doing well and stay safe. आज आप देखने वाले हैं फिर से Car Stylein की एक और नई वीडियो जो कि रहने वाली है वन एंड ओनली हमारी 2020 की Hyundai की ब्रांड न्यू क्रेटा के ऊपर जो कि आई है ऑल द वे फ्रॉम बरेली से. यहाँ जो ये रिबन्स लगे हुए हैं बोनट पे आप वो देख सकते हो कि ये गाड़ी हमारे पास जो आई है वो आई है हमारी बरेली ही मॉडल है जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सटीरियर में भी काफी सारे मॉडिफिकेशन करके इसको टॉप मॉडल की तरह बनाने की कोशिश की है और इंटीरियर में भी हम लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने एक्सटीरियर से. फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाई है अपने Hyundai की जेन्युइन वाली फ्रंट क्रोम ग्रिल. आप देख सकते हैं आउटर पे पूरा इसका क्रोमिंग लगा हुआ है जो कि अपना 0.9 माइक्रोन होता है. और अगर बात करूं इसके सेंटर वाले पार्ट तो डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि सर आपके जो बेस मॉडल की आती है वो पूरी यहाँ से ब्लैक होती है बट जो टॉप मॉडल की ग्रिल होती है वो ब्लैक अंदर से ग्रूविंग पार्ट होता है. रेस्ट ये पार्ट उनका सैमी ग्लॉस अपना होता है सिल्वर टच के अंदर और आउटर से हमारी ये 0.9 माइक्रोन की ये क्रोम ग्रिल लगी हुई होती है. एक्चुअल जो जेन्युइन वाली होती है ये वही हमारी क्रोम ग्रिल होती है. उसके बाद हम लोगों ने लगाई है इसके फॉग लाइट क्योंकि हमारे इस वाले मॉडल में फॉग लाइट्स नहीं आती हैं. और सबसे ज़्यादा मेन पार्ट हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है अपना फ्रंट एंड रियर डिफ्यूजर डेली में लिटिल ब्लिट स्क्रैचेस से आपकी कार को प्रोटेक्ट करता है. आप देखेंगे ये भी हमारा डुअल शेड के अंदर है. अपर वाला पार्ट इसका टोटली अपना ब्लैक के अंदर है. नीचे से ये सिल्वर टच दिया हुआ है. आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं. सिल्वर टच ये अपना सामी ग्लॉस फिनिश के अंदर है और जो हमारा ये ब्लैक टच है ये हमारा मैट फिनिश के अंदर है. और ये हमारा ABS की क्वालिटी इसके अंदर रहने वाली है जिसकी हम आपको 1 ईयर की इसके अंदर हमने लगाया है. ऑटोमेटिक साइड फोल्डिंग मिरर आप चेक कर सकते हो. ये Hyundai के जेन्युइन है. अगर आप पास आके देखेंगे तो नीचे अपने हमारे यहाँ पे ये डोम लाइट लगी हुई है विद Hyundai का ओरिजिनल बैजिंग के साथ आप देख सकते हो. फिर हम बात करते हैं इसके डो वाइजर्स की. पूरी ब्लैक ब्यूटी है. इसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा क्रोम वर्क नहीं किया है तो आप देखेंगे इसका हम लोगों ने डो वाइजर लगाया है अपना फुल ऑन ब्लैक के साथ अपना क्रोम लाइनिंग के साथ इसको दिया हुआ है. और ये भी अपना कुछ डिफरेंट स्टाइल का है जो कि आपको मार्केट में आसानी से देखने को नहीं मिलेगा. अपर की तरफ आएंगे तो जैसे कि इस गाड़ी के अंदर अपनी रूफ रेल्स भी नहीं आती है तो हम लोगों ने इसके अंदर अपनी रूफ रेल्स लगाई है. ये भी हमारी डुअल शेड के अंदर है. आउटर की बात करोगे तो यहाँ पे अपना सिल्वर है. इनर की बात करोगे तो इनर पे हमारा ब्लैक आता है जस्ट लाइक OEM जिसको लगाने से पहले हम लोगों ने अच्छे से अपना प्राइमर यूज किया उसके बाद इसको हम लोगों ने पेस्ट किया है. अब मैं बात करने वाली हूँ उसके मेन पार्ट जो कि मैंने इस गाड़ी के अंदर लगाया है. वो हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया है अपना साइड स्टेपर और आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा स्लीक सा है. कहीं से भी ज्यादा बाहर नहीं आ रहा है और इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल OEM जैसी आपको लग रही होगी. कहीं से भी हम लोगों ने कोई भी इसके अंदर अलग से कोई पीस नहीं निकला हुआ है या नीचे कोई रॉड वगैरह नहीं लगी हुई है जिससे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस पे भी इश्यू नहीं आएगा. तो आप चेक कर सकते हो उसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हो. ये पूरा एल्युमिनियम है. ये अपना ब्लैक अपना रबर है इसमें चढ़ेंगे ताकि वो स्लिपरी ना हो. एल्युमिनियम विद रबर के साथ है. आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हो. ये हमारा इंपोर्टेड साइड स्टेप है. मतलब ये बहुत ही मुझे वाओ साइड स्टेप लगा क्योंकि इसकी फिनिशिंग जस्ट लाइक OEM ही है और बहुत ही स्लीक सा है कि साइड में भी आपकी कार को प्रोटेक्शन के साथ साथ बाकी कार्स को भी डैमेज नहीं करेगा. जो मार्केट में आपको 4x4 देखने को मिलते हैं वैसा ये बिल्कुल नहीं है. तो इसकी आउटर से खूबसूरती अगर मैं की बात करूं तो इस साइड स्टेप ने इस गाड़ी को आउटर से और भी ज्यादा डिफरेंट और ब्यूटीफुल बना. उसके थीम की तो हमने इसके अंदर लिया है अपना डीप टैन कलर. गाड़ी का आउटर अपना फुल ऑन ब्लैक ब्यूटी है और ये इंटीरियर थीम मैंने पहले भी एक गाड़ी के अंदर किया हुआ है जो कि आई थी ऑल द वे फ्रॉम पंजाब. तो कस्टमर इससे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए. इनको ये इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने भी अपनी कार के अंदर ये थीम लिया है. स्टार्ट करने वाली हूँ डोर्स पे. डोर्स पे आप देखेंगे हम लोगों ने दो लेदर अपोल्स्ट्री लगाई है विद फुल ऑन डीप टैन विद अपना सिल्वर कलर के थ्रेड वर्क. अपोल्स्ट्री के बाद अगर हम पावर विंडोज पे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना वुडी टच फील के साथ अपना सैमी ग्लॉस के अंदर दी हुई है वुडी टच अपना पावर विंडोज. और अगर बात करूँ उसके अपर वाले पैनल पे यहाँ हम पे हम लोगों ने किया लेदर सॉफ्ट फील कोटिंग विद ओरिजिनल ग्रीन. हमारे साथ जुड़े हैं हमारे छोटे उस्ताद जो कि इस गाड़ी का फीडबैक देने वाले हैं.
और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर वैभव जी, छोटे उस्ताद जी का नाम है वैभव जी, जो आपको इस गाड़ी का फीडबैक। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और मैं आया हूँ बरेली से अपने फादर के साथ। इनकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, इसलिए हम बरेली से आए थे दूर से। इनका काम हमें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम आए। लोगों को चाहता हूँ आप यहाँ पर काम करवाइए आकर, अपनी गाड़ियों का काम बहुत बढ़िया होता है, तो आप जरूर आइएगा। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे हम लोगों ने अपना वुडी टच दिया हुआ है, ये भी हमारा सैमी ग्लॉस पील के अंदर है, फिनिश के अंदर है, पूरी फिनिशिंग। आप हर एक बात करूं इस मॉडल की, तो जैसे कि इस गाड़ी के अंदर अपना स्टीरियो नहीं आता, तो हम लोगों ने इसके अंदर स्टीरियो अपना इंस्टॉल किया है। ये हमारा स्टीरियो ट्रैक एंड टेल का रहने वाला है। अब भी ओपन करके मैं आपको इसके काफी सारे फीचर्स भी बताने वाली हूँ। उसकी बात करूँ उसके रूफ पे, तो रूफ पे हम लोगों ने लगाई है हुंडई की जेन्युइन सन ग्लास होल्डर। आप देख सकते हो ये अपना हुंडई का जेन्युइन सन ग्लास होल्डर है, जिसके अंदर होल्डर के साथ साथ अपनी कैबिन लाइट भी इसके अंदर दी हुई है। अगर मैं बात करूँ डैशबोर्ड के नीचे वाले पार्ट की, यहाँ पे हम लोगों ने एम्बियंस लाइट दी है। बात करूँ उसके पिलर्स की, तो पिलर्स आप देख सकते हो हम लोगों ने अपना दिया हुआ है लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग, वो भी अपना ओरिजिनल ग्रेन के साथ। आप इसको वाली हूँ उसके सीट की, सबसे पहले बताने वाली हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने लगाया है अपना ड्राई लेदर, जो कि अपना डीप टेन के अंदर रहने वाला है। और आप देख सकते हैं सिंगल टोन के अंदर हम लोगों ने इसके सीट्स रेडी किए हैं। साइड्स पे हम लोगों ने डायमंड का डिजाइन दिया है, जो कि अपना काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, जिससे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है सीटें। और इसके अंदर हम लोगों ने सेंटर इसका ज्यादा प्लेन ना हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने अपना रूलिंग दिया है डिजाइन, हॉरिजॉन्टल डिजाइन दिया डुअल थ्रेड वर्क के साथ, जो कि हमारी गोल्डन थ्रेड वर्क है मैचिंग विद दी सीट्स का जो कलर है। और अगर मैं आउटर की बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया अपना सिल्वर कलर का थ्रेड वर्क, जो कि आपका मैचिंग है, क्योंकि सिल्वर टच आप देख सकते हो। इसके एसी वेंट्स की क्रोम आप देख सकते हो, या वो वाला पैनल भी आप देख सकते हो, इसलिए हम लोगों ने इसके जो आउटर पे थ्रेड वर्क दिया वो मैचिंग इंटीरियर्स पे मैच करने के लिए हम लोगों ने सिल्वर दिया है। या फिर आप इसका स्टेयरिंग भी देख सकते हो, स्टेयरिंग पे भी सिल्वर टच है, तो आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा कस्टमर को हमारे सीट्स या इंटीरियर मॉडिफिकेशन का वर्क उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हैवी कुशनिंग भी की है, ताकि कस्टमर इतनी दूर से आ रहे हैं बरेली से, तो उनको कंफर्ट पूरा मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके आर्मरेस्ट की, आर्मरेस्ट पे भी हम लोगों ने कुशनिंग लगाई है, जो कि कंपनी से नहीं आती है। इसको भी हम लोगों ने अपना फुल डीप टैन के अंदर विद सिल्वर कलर के थ्रेडवर्क के साथ इसको दिया हुआ है। और अगर मैं बात करती हूँ उसके सेंटर कंसोल पैनल की, तो आप देखेंगे सेंटर कंसोल पैनल काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। उसको बनाने के लिए जो गियर बूट का सेक्शन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी हम लोगों ने दिया थोड़ा सा अपना वुडी टच फील, जिसको आप देख सकते हो। ये भी हमारा सैमी ग्लॉस टच के अंदर, आप देखोगे कि अब गियर करते हुए कस्टमर को ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं होगी, या उनको ये नहीं लगेगा कि ये थोड़ा सा बोर सेक्शन है, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया अपना वुड। पहले मैं इसकी डिजाइनिंग की बात करने वाली हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने किया है अपना डिजाइनर स्टेयरिंग, जो कि आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलेगा। इसकी फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हो, जस्ट लाइक OEM हम लोगों ने इसकी फिनिशिंग दी है। ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, डुअल शेड के अंदर हम लोगों ने इसको रेडी किया है। यहाँ पे अपना डीप टेन रहेगा, रेस्ट पार्ट इसका टोटली अपना ब्लैक कलर के अंदर है। और अगर मैं बात करूँ उसके थ्रेडवर्क की, तो थ्रेडवर्क हम लोगों ने इसके अंदर दिया है अपना सिल्वर टच का थ्रेडवर्क, जिसको बनाने में हमें समवेयर अराउंड 4 to 5 hours चाहिए होते हैं। बाकी आप इसकी फिनिशिंग पूरी चेक कर सकते हो। देखेंगे हम लोगों ने लगाया है अपना डोर स्कॉफ प्लेट, जो कि अपना सिल्वर टच के अंदर है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है अपना क्रेटा विद ब्लू लाइट के साथ। और अगर मैं बात करने वाली हूँ इसके मैट्स की, तो मैट्स भी आप चेक कर सकते हो, फुल ऑन अपना ब्लैक कलर के अंदर ये रहने वाले मैट्स। अपर वाला पार्ट हम लोगों ने दिया है इसका
सिल्वर एंड ब्लैक के अंदर. बिकॉज ऑफ एम्बियंस लाइट इसका कलर आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा. और आउटर पे हम लोगों ने टैन कलर की पाइपिंग दी ताकि वो हमारे इंटीरियर से बिल्कुल मैच. अब मैं बात करने वाली हूँ इसके स्टीरियो की. आप देख सकते हैं इसके अंदर हम लोगों ने लगाया है अपना 9 inches का ट्रैक एंड टेल का अपना स्टीरियो. और उसके बाद यहाँ मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो इंटरनेट फॉर योर कार, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें हमारा यूट्यूब है, मैप्स है और अपना 4G सिम भी है, जिसके अंदर आप 2-way कॉलिंग कर सकते हो. लाइव व्हीकल ट्रैकिंग भी है जो कि अभी किसी भी स्टीरियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी. और व्हीकल फाइंडर भी है, लाइव लोकेशन शेयरिंग भी है, ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, मिरर लिंक भी है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी है. आप इसके अंदर सारा सब कुछ देख सकते हो. अपना USB भी है, ओवर स्पीडिंग अलर्ट भी आप इसके अंदर लगा सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपको 100 से ऊपर आपको कार नहीं ड्राइव करनी है तो आप उस वक्त ओवर स्पीडिंग अलर्ट लगा सकते हो ताकि आपको टाइमली इसका रिवर्ट मिल सके कि सर अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो कीजिए. और उसके बाद अगर मैं बताने वाली हूँ, ये 2GB इसके अंदर रैम है, 32GB इसके अंदर इसकी इंटरनल मेमोरी है और इसके IPS पैनल इसके अंदर रहने वाला है. मतलब काफ़ी सारा इसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो. बिल्ट इन ट्रैकर भी है जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर बताया है. और अपना इसके अंदर है DSP सपोर्ट भी है जो कि आपके साउंड क्वालिटी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है. तो ये स्टीरियो हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है. तो आपके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं. अब हम बात करेंगे इसके साउंड क्वालिटी की और इसकी वीडियो क्वालिटी की. अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ. इसके अंदर हम लोगों ने लगाया है अपना स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जिसको हम लोगों ने इसके साथ इंटीग्रेट किया है. अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम अप करती तो आप देखेंगे वॉल्यूम अप होती है. अगर मैं वॉल्यूम डाउन करती तो यहाँ से वॉल्यूम डाउन होती है. अगर मैं म्यूट करती हूँ तो यहाँ से वॉल्यूम अपनी म्यूट होती है. हम लोगों ने इस अपने स्टीरियो को इसके साथ इंटीग्रेट किया है जो कि पूरा कंपैटिबल. और आप इसका IPS पैनल मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इसके अंदर IPS पैनल भी है. और वीडियो क्वालिटी तो आप इसकी चेक कर सकते हो, फुल ऑन अपनी HD क्वालिटी. अगर मैं बात करूँ उसके फ्रंट पे, हम लोगों ने लगाया है अपना इन्फिनिटी के रेफरेंस सीरीज के कॉम्पोनेंट स्पीकर, जिसके यहाँ पे 2 ट्विटर लगे हुए हैं. अंदर अपने स्पीकर हैं विद अपना लगा हुआ है क्रॉसओवर. और इसके अंदर हम लोगों ने डैम्पिंग भी की है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. अगर रियर की बात करूँ तो रियर पे हमने लगाया है इन्फिनिटी का ही अपना कोएक्सियल स्पीकर्स. आगे है कार की रियर सीट पे, जिसमें पहले मैं बात करूंगी अपनी फ्रंट सीट की. आप इसका हेडरेस्ट देख सकते हैं, फुल ऑन अपना डीप टेन के अंदर विद सिल्वर कलर का टच. पूरा इसकी पॉकेट भी आप देख सकते हो, पॉकेट पे भी हम लोगों ने हाइलाइटिंग के लिए लगाया है अपना सिल्वर कलर का थ्रेडवर्क. नीचे लगाया है अपना ओरिजिनल कारपेट एंड बीडिंग, क्योंकि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो है कस्टमाइज सीट्स लेदर अपोल्स्ट्री में, जिसमें हम लोग आपकी कार की सीट्स को फिटिंग देते हैं जस्ट लाइक OEM, जो कि आपको मार्केट में इजिली देखने को नहीं मिलती है ऐसी फिटिंग मार्केट में आपको बकेट में. सीट के साथ मैं बात करती हूँ उसकी रियर सीट की. रियर सीट की भी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हो, फुल ऑन अपना डीप टेन के अंदर दी हुई है. फ्रंट पे भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुशनिंग किया है, तो रियर सीट पे भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुशनिंग किया है. एंड आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हो, कहीं से भी आपको कोई भी रिंकल शो नहीं होने वाला है, चाहे वो हमारी फ्रंट सीट्स थी या हमारी रियर सीट्स थी. और अब हम रियर सीट से देखने वाले हैं इसके डैशबोर्ड का लुक, कि जो हम लोगों ने इसके अंदर अपना इंटीरियर थीम दिया है वो कैसा लगने वाला है. आप देखेंगे कि रियर सीट से बैठने के बाद इसका स्टेयरिंग है वो उसकी तो फिनिशिंग और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है. आप चेक कर सकते हैं उसके इंटीरियर के प्राइसिंग की, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट गया 32,000 से लेकर 35,000. और बाकी जो भी हम लोगों ने इसके अंदर एसेसरीज लगाई हैं हुंडई की जेन्युइन है, उनका जो प्राइस रहेगा वो एज पर MRP. हम लोगों ने इस ब्यूटीफुल बीस्ट के अंदर किया है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. उसी के साथ अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे ना भूलिए. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमारे आउटलेट पे विजिट करने के लिए यहाँ का एड्रेस रहेगा कार स्टाइलिन 13/13C रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर KA44. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप हमारे यहाँ का गूगल लोकेशन ले सकते हैं, जिससे आपको हमारे यहाँ पे विजिट करने में इजी होगा. इन केस ऑफ एनी क्वारी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर रहेगा 7271939393. और आप कोशिश कीजिए कि 10 to 7 ही आप हमें कॉल कीजिए. मंडे हमारा ऑफ रहता है सारे आउटलेट्स का,
नोएडा पे विजिट करने के लिए वहाँ का एड्रेस ले सकते हैं। वहाँ का एड्रेस रहेगा D39 सेक्टर 10 नोएडा। वहाँ पे कॉल करने के लिए वहाँ का नंबर रहेगा 7271838383। तब तक के लिए स्टे सेफ।